Hello guys, welcome to IndiaBird.com. So, in our next series of static GK, we'll learn elephant reserves of India today. But before we start, if you like this video, please do like, share and subscribe my channel and please press the bell icon for more notifications and updates. इससे पहले मैंने क्लासिकल डांस की वीडियो डाल दी है, आप लोग उसे देख सकते हैं. So let's start. तो इस वीडियो में हम एलिफेंट रिजर्व्स के बारे में जानेंगे, कुछ फैक्ट्स जानेंगे एलिफेंट कंजर्वेशन के बारे में, अबाउट प्रोजेक्ट एलिफेंट जानेंगे. सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सम फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एलिफेंट. सो कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ एलिफेंट इज इनडेंजर्ड, मतलब IUCN के लिस्ट में एलिफेंट को इनडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में रखा गया है. इसकी क्लास मेमेलिया है, फाइलम कोडाटा, किंगडम एनिमेलिया, और ये इंडिया की 28 स्टेट्स में से 16 स्टेट्स में पाया जाता है. इसकी लाइफ स्पैन 60 टू 70 इयर्स होती है. सो देयर आर 13 एलिफेंट रेंज कंट्रीज इन द वर्ल्ड. एलिफेंट रेंज कंट्रीज अर्थात वो कंट्रीज जहां पे हाथी विचरण करते हैं. उसमें साउथ एशियन कंट्रीज है और साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज है. सो साउथ एशियन कंट्रीज में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका है, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम है. सो एलिफेंट को एक नेशनल हेरिटेज एनिमल का दर्जा प्राप्त है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 में आया था, इसके तहत एलिफेंट को शेड्यूल वन में रखा गया है. अर्थात शेड्यूल वन में जो एनिमल होते हैं उनका पोचिंग, शिकार, इलीगल ट्रेडिंग पूरी तरह से बैन है. आप उनका शिकार नहीं कर सकते, और अगर ऐसा करते हैं तो उसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का रूल है. में हम कुछ कन्वेंशन और प्रोग्राम देखते हैं जो एलिफेंट से रिलेटेड है. साइट कन्वेंशन. साइट एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना और फ्लोरा से रिलेटेड है. अर्थात ये कन्वेंशन यह देखता है कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनका इलीगल ट्रेड ना हो, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर वो एनिमल हो. इस कन्वेंशन के तहत एलिफेंट को अपेंडिक्स वन में रखा गया है. अर्थात एलिफेंट का किसी भी तरह से इलीगल ट्रेडिंग, वेदर उसके आइवरी के लिए हो या टस्क के लिए, वो पूरी तरह से बैन है. CMS COP 30, ये इवेंट अभी इसी साल 24 फरवरी 2020 को गांधीनगर गुजरात में हुआ. ये लार्जेस्ट कन्वेंशन है हिस्ट्री में जो कि माइग्रेटरी स्पीसीज वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर हुआ है. उसमें इसमें भी एलिफेंट्स को, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को शामिल किया गया है. इंडिया का पहला एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है वो पुट्टूर केरला में स्थापित किया गया है, इसे याद रखिएगा. अब हाथी मेरे साथी कैंपेन, ये कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है. इस कैंपेन का मेन पर्पस कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट था इंडिया में. तो याद रखिएगा, हाथी मेरे साथी कैंपेन 2011 में लॉन्च किया गया था. अब आता है प्रोजेक्ट एलिफेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था. ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. इस एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट का मेन ऑब्जेक्टिव एलिफेंट के हैबिटेट को, उनके कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करना था. दूसरा, एलिफेंट और मैन के कॉन्फ्लिक्ट को रोकना था, और जिन हाथियों को बंदी बना के रखा जाता है, जो कैप्टिव एलिफेंट्स होते हैं, उनका वेलफेयर को ध्यान में रखना, और एलिफेंट रिजर्व्स के क्रिएशन को ध्यान में क्रिएट करना कंट्रीज में, इस एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट का मेन पर्पस था. सो कॉरिडोर्स क्या होते हैं? कॉरिडोर्स देखिए, हाथी जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते रहते हैं. ऐसा नहीं है कि हाथी एक कन्फाइंड एरिया में रहते हैं. सो हाथी जब साल के
के डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते हैं तो वो जिस पाथ को फॉलो करते हैं उस पाथ को कॉरिडोर डिक्लेयर कर दिया जाता है और उन कॉरिडोर की प्रोटेक्शन करना प्रोजेक्ट एलिफेंट का काम है। सो इंडिया में कुल 100 एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं अभी। अब आता है माइक प्रोग्राम। सो माइक जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। सो माइक प्रोग्राम के तहत हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी रखी जाती है। ये प्रोग्राम साउथ एशिया में 2003 में शुरू हुआ था। ये माइक प्रोग्राम जो है ये साइट्स कन्वेंशन के अंतर्गत काम करता है। साइट्स कन्वेंशन के बारे में मैंने आपको पहले बताया। माइक जो है बेसिकली एक साइट बेस्ड प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में एक साइट को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, फिर उस जगह की निगरानी की जाती है कि अगर उस जगह पे हाथियों की इलीगल किलिंग हो रही है तो वो किस तरह से हो रही है। उसके आधार पर एक डेटाबेस तैयार किया जाता है और उस डेटाबेस को फिर उस स्टेट रेंज अर्थात वो जगह जहाँ पे हाथी विचरण करते हैं उन्हें प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसके आधार पर वहां की अथॉरिटी एक डिसीजन ले, एक मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाए, एक एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाए और हाथियों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इंडिया में कुल 10 माइक साइट्स हैं। उन साइट्स को आप यहाँ पढ़ सकते हैं और उनके लोकेशन ये रहे, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आयुसीएन, मैंने बताया आयुसीएन की रेड लिस्ट में हाथी जो है वो वल्नरेबल और इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में रखे गए हैं। अब आता है वर्ल्ड एलिफेंट डे। वर्ल्ड एलिफेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है 12 अगस्त को। इसका मेन पर्पस है प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट। ठीक है, हाथी जो है वो 3 राज्य का राजकीय पशु है। वो राज्य है झारखंड, केरला और कर्नाटका। 2017 में एलिफेंट के ऊपर सेंसस हुआ था। इसमें पाया गया कि एलिफेंट इंडिया में कुल 29,964 नियर अबाउट 30,000 एलिफेंट है। इस एलिफेंट में सबसे ज्यादा एलिफेंट जिस स्टेट में पाए गए वो थे कर्नाटका, जहाँ 6,049 एलिफेंट है, फॉलोड बाय आसाम एंड केरला। अब बात करते हैं एलिफेंट रिजर्व की। तो एलिफेंट रिजर्व बेसिकली होते क्या है? एलिफेंट रिजर्व सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रेक्टिफाई होते हैं। अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को ये रिकमेंड करता है किसी एरिया को किस तरह से एलिफेंट रिजर्व घोषित करना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट उसको रेक्टिफाई करता है और इस तरह से एलिफेंट रिजर्व बनाया जाता है। तो इंडिया में कुल 30 एलिफेंट रिजर्व है। तो झारखंड का सिंहभूम जो है वो इंडिया का फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व है, इसे याद रखिएगा। और सिंपन जो एलिफेंट रिजर्व है ये इंडिया का 38th एलिफेंट रिजर्व है। सिंपन जो नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। फिर यहाँ पे अब 30 एलिफेंट रिजर्व के नाम और उनके लोकेशन है उसे पढ़ते हैं। मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व वेस्ट बंगाल में है। सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व जो झारखंड में है, जो कि फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व है इंडिया का। महानदी एलिफेंट रिजर्व, संबलपुर एलिफेंट रिजर्व, बैतामी एलिफेंट रिजर्व और साउथ ओडिशा एलिफेंट रिजर्व, ये सभी ओडिशा में है। इसके बाद लेमुरु एलिफेंट रिजर्व और बदखोल तामोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ में है। कामेंग एलिफेंट रिजर्व जो अरुणाचल प्रदेश में है। सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व जो असम में है। दिहंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व जो असम में है। साउथ अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। काजीरंगा करके एंगलोंग एलिफेंट रिजर्व ये असम में है। धनसिरी लोंगडिंग एलिफेंट रिजर्व ये भी असम में है। इटंकी एलिफेंट रिजर्व जो नागालैंड में है। इटंकी नेशनल पार्क भी है जो नागालैंड में है। चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व जो आसाम में है। स्टर्न डुअर्स एलिफेंट रिजर्व जो वेस्ट बंगाल में है। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में है।
गारो हिल्स एंड खासी हिल्स, जानते हैं हम सभी जो मेघालय में गारो खासी जयंता हिल्स, उसमें से गारो हिल्स और खासी हिल्स एलिफेंट रिजर्व है जो मेघालय में है। मैसूर एलिफेंट रिजर्व जो कर्नाटका में है, वायनाड एलिफेंट रिजर्व जो केरला में है, नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु में, रायला एलिफेंट रिजर्व आंध्र प्रदेश में, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, नीलांबर एलिफेंट रिजर्व केरला में, कोयम्बटूर एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु में, अनमलाई एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु में, एंड अनाईमुडी एलिफेंट रिजर्व केरला में। फिर कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये अनमलाई एलिफेंट रिजर्व है जो तमिलनाडु में है और अनाईमुडी एलिफेंट रिजर्व जो केरला में है। पेरियार एलिफेंट रिजर्व जो केरला में है, श्री विल्लू पुत्तूर एलिफेंट रिजर्व जो तमिलनाडु में है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू वॉन्ट टू फॉलो अस यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल, दीज आर आवर एड्रेसेस। थैंक यू।